प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। करने के बाद 56 के एवरेज दे रही है। दो जी में पालक, लौकी और कलिया, स्प्रिंग ऑनियन। तो आज आप लोगों को ले चलते इस लड़की के साथ यहाँ का सब्जी मार्केट दिखाने, और सब्जी मार्केट जाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ इस लड़की के हाथ में है, झोला। तो ये झोला लेके जा रहे हैं हम गांधीनगर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के मार्केट में, जो कि है सेक्टर 21 में। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अमिका की दुनिया गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। एंड आज चलेंगे सेक्टर 21 होलसेल मार्केट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। से शुरू होता सब्जी मार्केट। थोड़ी भीड़ होगी आज क्योंकि संडे है, तो थोड़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। जो काम मैं कभी नहीं करती हूँ। यहाँ पर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेते हुए इंसान। और अब आ गए हमारे फ्रूट मार्केट में। ये यहाँ से स्टार्ट होता है फ्रूट मार्केट, यहाँ का सेक्टर 21 का फ्रूट मार्केट है ये। इतना सारा सब्जी लिया, दिखाओ एक बार। तो सब्जी में पालक, लौकी और क्या लिया, स्प्रिंग ऑनियन, गिलका, ये सब लिया है। गिलका लिया। तो हो गई सारी शॉपिंग, वो सब्जी हो गई है, अब चलते सीधे घर। तो गाइस ये है सेक्टर 21 और यहीं पे अंदर जो है वो वेजिटेबल और फ्रूट्स मार्केट है, और इधर जाएंगे तो आइनॉक्स। भीड़ बहुत है, ऊपर से संडे है, दिवाली का टाइम है, दिवाली आने वाली है। यस, यहाँ पर क्रैकर्स, पर आज आके मेरे को काफी अच्छा लगा। Continue on National Highway 147 for 1.5 kilometers. National Highway 147. तो ऐसा है, घर से जो सेक्टर 21 है वो अराउंड 9 to 10 kilometers है। बट बड़ा मजा आता है सब्जी मंडी देख के। मतलब यहाँ गांधीनगर की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ के जो रास्ते हैं, मतलब यार यहाँ के रास्तों का कोई तोड़ नहीं। रोड्स वाकई में बहुत अच्छे हैं, सुंदर है एकदम। तो इस तरफ दिख रहा है, इसीलिए यहाँ पे भी आएंगे आप लोगों को। एक फायदा और है यहाँ गांधीनगर रहने का, मतलब रोड्स पूरे खुले मिलते हैं, तो गाड़ी का एवरेज आपको मिलेगा बहुत अच्छा। तो देखिए 56 का एवरेज निकाल रही है अभी। ये सब्जियाँ तो लिया है, उठा के पूरा रास्ते में लेके आया हूँ, और ये बैठी ऐसे जैसे भैया ये कितना काम करके थक गई हुई है। देखो मुंह सड़ा के 6839 कदम हो गए। अच्छा, समझ में आया? देख लो, नहीं दिख रहा, बंद हो गया तेरा, अब खुला। 6839 कदम हो चुके हैं। तो क्या कर रहा है? अब तो जाऊंगी। ओह माय गॉड, मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं कुछ अच्छा खाना खाना है। बस इसके दिन वही मेरे को लग ही रहा था, कुछ तो गंडोगोल चल रहा है। क्या बोल रहा है? बोले पालक पनीर बना ले बिना पनीर के, बताओ जरा कौन ऐसे पालक पनीर बना। अरे तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, घर में पनीर नहीं है। ठीक है, अभी यार घर में आ गए, उसके बाद तो मैंने बोले काम करो, पालक पनीर बना लो। पनीर तो नहीं, बोले पनीर मत डालना, बाकी पालक पनीर बना लो। फाइनली
हम अब पालक पनीर खाएंगे वो भी बिना पनीर के, और आपके साथ मिलेंगे अगले व्लॉग में। और अगर आप लोगों को हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और प्लीज हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल पीपल, बाय बाय। Thank you.